दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। दोस्तों फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कैसे की जाती है इस पर मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर दूंगा। फिलहाल के इस वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट पर अपना जो है अकाउंट ओपन करके एड्रेस वगैरह कैसे ऐड करना है सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करके आपको फ्लिपकार्ट सर्च कर लेना है। फ्लिपकार्ट का लोगो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, तो आपको इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। फ्लिपकार्ट आपका जो है इंस्टॉल हो चुका है, अब आपको क्या करना है ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है फ्लिपकार्ट के ओपन होने तक का। फ्लिपकार्ट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, आपको अपना यहाँ पर जो है लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर अकाउंट बनाने के लिए आपसे अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो है मांगा जाएगा। आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर अपना जो है फ्लिपकार्ट अकाउंट बना सकते हैं या ईमेल आईडी से भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अपने मोबाइल से ही बनाना बेटर रहेगा क्योंकि आप अपना मोबाइल नंबर ज़्यादातर भूलते नहीं, ईमेल आईडी का तो पासवर्ड वगैरह कभी आप भूल सकते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। इसके बाद आपको कर देना है कंटिन्यू पर क्लिक। यदि आपका सिम इसी मोबाइल में है तो इस पर जो है एक OTP आएगा और यहाँ पर अपने आप जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यदि किसी अदर मोबाइल में है आपका सिम तो उससे आपको OTP लेकर के आपको इसमें फिल करना पड़ेगा। तो OTP आने तक आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गया है और कंटिन्यू भी हो गया है। फ्लिपकार्ट आपका ओपन हो चुका है पर अभी अकाउंट आपका क्रिएट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको एक अकाउंट ऑप्शन शो होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और शो होगा एडिट प्रोफाइल का, आपको एडिट प्रोफाइल पर चले जाना है। जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल पर जाते हैं नेक्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको मेल फीमेल जो है सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल कर लेना है। मैंने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फिल कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डीएक्टिवेट अकाउंट। यदि आप अकाउंट बनाना नहीं चाहते तो आप यहाँ से डीएक्टिवेट अकाउंट से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। और यदि आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है आपका जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम भर के यहाँ पर सबमिट कर देना है। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर पहले जो है दे दिया है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। यदि आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप यदि देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल नंबर से ही आपका काम हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट कर देते हैं आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाता है। तो इसी तरह से आप फ्लिपकार्ट पर अपना जो है अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है यहाँ पर अपना जो है एड्रेस ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने यहाँ पर एड्रेस जो है सेव करने के लिए आपके यहाँ पर सेव्ड एड्रेस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सेव एड्रेस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एड अ न्यू एड्रेस पर क्लिक करके अपना जो है सारा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। आपको यहाँ पर अपना जो है फुल नेम फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपने जो है एरिया का पिन कोड डाल देना है। हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना रोड नेम, एरिया, कॉलोनी जो है सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आप यदि अपना होम के एड्रेस दे रहे हैं तो आप होम पर क्लिक करना है। यदि वर्क यानी कि जहाँ पर आप काम करते हैं ऑफिस वगैरह, यदि वहाँ का आप जो है एड्रेस दे रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेव एड्रेस पर क्लिक कर देना है, आपका एड्रेस जो है सेव हो जाएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताएं।